ये देखो हनुमान गढ़ी बाबा की रामलला जी कह रहे हैं, बस आ जाओ हमारी नगरी, बाकी सब हम देख लेंगे, खाना पीना से लेकर के रहने तक का। जो पीछे देख रहे हो ना, ये संडे 11 फरवरी के नज़ारे देख रहे हो, आज दूसरा दिन है हमारा अयोध्या में। जय श्री राम। 42 सवारी। हाँ 42 सवारी की। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई हम चल रहे धर्म के पथ पे। ये भाई नज़ारे मगर यार देखने लायक है, भीड़ बनती है यार ऐसे उसमें। और जो है रामलला के हमने कल दर्शन करे। जय श्री राम। गाइस बहुत ज्यादा अयोध्या पुलिस लगी हुई है और कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी में चल रहा है। गाइस हम जा रहे सरयू नदी में आरती को देखने। ये जय श्री राम। शाम होते ही पूरी अयोध्या जगमगा गई है। अब पैदल जा रहे हैं, टिक 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 दो पैरों में। बहुत अंदर भीड़ चल रही है। कहाँ तक जा रहे हो भैया? अरे हनुमान गुफा तक, ये पुल के वही पार। तो कितना अच्छा लग रहा है। ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखो कौन सा मंदिर है। खाना पीना भी बहुत आराम से आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोग, अच्छे अच्छे लोग जो है यहाँ पे लंगर वगैरह कर रहे हैं। आराम से आप भूखे तो नहीं जाओगे अयोध्या से? आपके पास आपको लग रहा है कि चलो खाने पीने में आपको नहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, आप आराम से लंगर खा सकते हो। ये देखो गाइस हलवा, हलवा मिल रहा है, हलवा मिल रहा है, हलवा फूट जा रहे हैं। ये देखो सुंदर सुंदर लग रहे हैं। यही है 5 बजे के दर्शन है। ये सब चीजें देखनी है तो आपको 5 बजे भाई जगना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो आप कितनी ज्यादा भीड़ है। बहुत लोग चले गए भाई 4 बजे से, तो 4 बजे तो हम उठ गए थे और ये सुन रहे थे कि भाई सब लोग बहुत, ये देखो एम्बुलेंस वगैरह भी जा रही है, ठीक है। तो वही है कि 4 बजे से ही हम 4 बजे उठे थे, इतना थक गए थे वहां पे आकर के। तो ये हुआ कि 4 बजे से 4 बजे उठे सब लोग, बाकी सब लोग पापा वगैरह उठ के बता रहे हैं कि बहुत सारे रैला चल रहा है बिल्कुल। तो हम 5 बजे तक बाहर आए पूरा अपना मुंह धो करके, अब देखा कि सही में यार बहुत रैला चल रहा है यहाँ पे। आप आराम से आइए अयोध्या, आपको लंगर वगैरह में आप खाना खा लीजिए। अगर आपसे पैसा आप नहीं दे पा रहे वो सारी चीजें हो जाएंगी। बस यही है एक मेन चीज है, वो है आपको रहना, रहने का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे मिल गया था इसके जस्ट सामने ही। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी रूम वगैरह कैसा है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा था हालांकि, मगर हाँ सस्ते में काम चलाना था। तो आप मिनिमम 1000 रखिए इस टाइम का, ठीक है। अगर मैं फरवरी महीने की बात करूँ, आज 11 फरवरी है, तो इस महीने का जो है अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है 1000 रुपये वो भी मिनिमम है, ठीक है। और हमें ये अच्छी चीज़ लगी कि कोई एज पर पर्सन कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब कुछ जगह है कि 2 पर्सन के लिए ही रह सकते हो आप, 3 पर्सन में ही 2000 रुपये दे करके रहो, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं था हमें बाउंडेशन कि हमें 2 ही लोग रहने हैं, 3 ही लोग रहने हैं। कितने भी हम लोग 5-6 लोग थे, सब लोग रह लिए 1000 रुपये में। तो दिस इज द, मैं कहूँगी मिनिमम जो किराया आप दे सकते हो इस टाइम पे, पीक सीजन है ये तो, ठीक है, अयोध्या का, और दैट टू सैटरडे संडे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, वो मैं अभी आपको रूम वगैरह दिखा दूंगी कैसा है। बहुत ही मजा आ गया, हाथ जुड़े के जुड़े रह गए और जय श्री राम बोलते ही रहे जवान, ठीक है। तो इस तरीके के जो है आपको भव्य दर्शन हो सकते हैं। तो आप भी आओ यार अपनी फैमिली के संग, प्लानिंग बनाओ। ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो दूसरों के संग जो और अयोध्या आने चाहते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल का नाम है शिवानी द्विवेदी ब्लॉग। सूरज भगवान बने हुए हैं, अपने घोड़ों के संग जा रहे हैं और ये जो है सारे सूर्य हैं उनके, उनकी रक्षा कर रहे हैं, सारे रक्षा कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये देखो भाई रैला जा रहा है ये। अभी मैं आपको 4 बजे का जो है वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है, अयोध्या का। ये देखो, तो भाई जो लोग पैदल चल सकते हो वही आओ, पैदल वालों की ही जय जयकार है अयोध्या में। इतना क्योंकि वो है ना भीड़, तो इस समय तो चलो फिर भी ठीक है, शायद जो लोग घोड़े घोड़े से आ रहे हैं ना वो निकल भी जाएं, मगर जैसी पुलिस जग जाएगी ना यहाँ गेट पे पूरा जो है ब्लॉक कर देती है और जा नहीं सकते हो आप। सूरज बने हुए हैं और जय श्री राम लिखा हुआ है। नहीं चल सकते तो बहुत दिक्कत हो सकती है यार आपके संग, क्योंकि हमारे संग भी 1-2 कैंडिडेट हैं जो नहीं चल पा रहे। दर्शन वगैरह करने के लिए ना जाना पड़ेगा काफी दूर, लता मंगेशकर चौक है,
फिर उसके आगे जाना पड़ेगा। उन सब चीजों के लिए आप भाई अपने पैर मजबूत करके आइए सबसे ज्यादा। तो हम वैलेंटाइन वीक में घूम रहे हैं अयोध्या। आज 11th of February है और आज है संडे, तो संडे का रैला आप देख रहे हो, कल था सैटरडे। तो गाइस कल हम जो है घूम के आ गए थे, ठीक है, अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर। भाई बहुत ही भव्य मंदिर बना है, गूज़बम्स आ गए थे बिल्कुल ही। फोन की बैटरी जो है, अगर आप वीडियोग्राफर हैं या फोटोग्राफर हैं तो जरूर जो है एक बैकअप जरूर लाइए। मैं तो अपना फोन बैंक वगैरह लेके आई थी मगर वहां ले जाना भूल गई थी, तो उसी वजह से बहुत फोन मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आई थी। तो आज देखो शायद ही जा पाए, ठीक है, शायद अगर गए तो आपको दिखाएंगे। शुभम भैया आओ बात कर लेते मुद्दे की, कितना पैसा लग गया अयोध्या 1.5 days घूमने का? 10,000 rupees गाइस हमारा लगा है, और मोस्टली मतलब क्या किस किस चीजों में लगा है। तो गाइज जैसे कि ये मेरा पहला वीडियो है, पहला व्लॉग है अयोध्या का, तो मैंने इसमें मेनली खर्चा बताया आपको पूरा का पूरा, खाने रहने और घूमने। लोकल घूमोगे आप अयोध्या में, कुछ चीज़ें भी ऑब्वियसली शॉपिंग करोगे, तो क्या किस तरीके का खर्चा आपको बियर करना पड़ सकता है वो सारी हम बातें करेंगे। और ट्रांसपोर्ट से मेरा मतलब है कानपुर से अयोध्या आना और फिर वापस अयोध्या से कानपुर को जाना, और यहाँ पे आप लोकली भी घूमोगे क्योंकि जिससे आप आओगे ना जो भी साधन से वो आपको यहाँ पे नहीं पुलिस वाले चलने देंगे, तो आपको पैदल भी यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह से भी घूमना पड़ेगा, तो उसका भी खर्चा वगैरह भी आपको देना पड़ेगा। जय राम संत की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई चल दिए, जय बजरंगबली बाबा की। तो हमारी यात्रा का शुभारंभ होता है अपनी कानपुर की गंगा नदी को देखते हुए, हम सीधे पहुंचते हैं उन्नाव पे। तो अभी गाइज हम कानपुर से उन्नाव आ गए हैं, यहाँ पे डीजल डला रहे हैं, हमने डीजल डलवाया 3,000 रुपए का, रिलायंस का है ये। शॉप वगैरह बढ़िया बना रखी है यार, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी आप जा सकते हो, कोई भी आ रहा है। तो अभी हमने कानपुर क्रॉस कर लिया है और उन्नाव आ गए हैं। अयोध्या धाम की यात्रा शुरू हो गई हमारी। ये देखो भाई, भाई हमारे ड्राइवर साहब, भैया तो रास्ते में हमें 3 toll मिलते हैं, हम लखनऊ से होते हुए जा रहे थे कानपुर टू लखनऊ। भाई आप आकर के अपना फैमिली के संग नाश्ता पानी करिए, सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, खूब जोरों शोरों में भाई बन रहा है मोदी सरकार में। ये देखो लखनऊ पहुंचने वाले हैं गाइस हम लोग, अब बुद्धा पार्क, लुलु मॉल वाला हमारा दूसरा टोल था अहमदपुर का। गाइस अयोध्या के दर्शन कराएंगे राम जी के, तो रुकते रुकते जा रहे हैं और जय श्री राम। तो अपडेट आपको देते रहेंगे, वीडियो पूरा देखना। हमने रोड किनारे एक जगह देखी अच्छी खासी, अकेले में ना देखा कि यहाँ में भाई कोई होटल वोटल बनने के लिए जगह ली जा रही है, तो वही अभी होटल बना नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हम रुक गए थे, बढ़िया है अपने सफर के लिए। तो रास्ते में तो खाना ले आओ अपना मजे से खाओ, वो ठीक से रख लेना। देखो फटाफट से खाना पीना दे रहे हैं। मगर क्या है, पूड़ी है, मूली की सब्जी है, आलू मटर गोभी, हम साहब तुम धोबी, बस टैप वगैरह भी लगा हुआ था, वो देखो टैप लगा हुआ है, हम लोग अपना खाना ना खा रहे हैं। यहाँ पे रोक लिया था हमारे ड्राइवर साहब है, तो अपने यहाँ पे नाश्ता वास्ता किया, आप चल देंगे आगे अयोध्या। तो अयोध्या हम जा रहे हैं, आपको दर्शन कराएंगे रामलला के, और जय श्री राम। हाँ भाई क्या मामला है, हम सोचते हुए खाना ना खाए बात सोचते आ रहे थोड़ा। थर्ड और लास्ट टोल हमें मिला था रौनही का, और बस इसके बाद क्या था, हम पहुंच गए थे अपने प्रभु राम की पावन नगरी में। हर जगह बहुत सुंदर सजा हुआ था, अयोध्या अयोध्या लिखा हुआ था कमल के फॉर्म में, मल्टीपल कलर्स के, उसमें आपको स्टैचूज भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिल जाएंगे, वो हो राम जी के, हनुमान जी के, काफी भक्तों के, ऋषि मुनियों के, ऐसे जो है रास्ते भर हमें स्टैचूज मिलते रहे, बहुत सुंदर सजा हुआ था। और बसें वगैरह भी चल रही हैं यहाँ पे, आप बसों से भी आ सकते हैं, काफी अच्छा सुख साधन जो है आपको दे रखे हैं। अब मंदिर दूर नहीं था, हर चीज हम लोग सामने देख रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा रश था रोडों में। टेंट बना, टेंट बना यहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, निशुल्क रहो यहाँ पे। तो बना ही बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बनाया।
तो यहाँ पे ऐसे तो आपको बहुत सारे साधन मिल जाएंगे। यहाँ पे व्हाइट कलर की कुछ टेम्पोज वगैरह भी चलती है, मगर सब इतनी भरी थी, इतने ज्यादा लोग आए हुए थे कि आपको कोई भी खाली नहीं दिखेगी। आ गए भाई अयोध्या, 12 घंटे के लिए कार बुक हो रही है 100 रुपए में। गाइस जय श्री राम, हम है अयोध्या में इस समय पार्किंग एरिया में खड़े हुए हैं, ये देखो। और हमारे साथ आया है हमारा बीस्ट भी, खूब अच्छी अच्छी 360 फोटोज भी लेंगे आज तो आज और कल का शायद प्रोग्राम है हमारा। बाकी शहरों की गर्मी एक तरफ, अयोध्या की गर्मी तो बिल्कुल टॉप मोस्ट पे है यार। फरवरी के महीने में आए और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है अपने, मतलब कानपुर वगैरह में ठंडक है ठीक है, और यहाँ पे जो है इतनी गर्मी है कुछ कहने को नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी है। बाकी यार हम एक दो दिन के लिए आए तो अच्छे से घूमेंगे, बहुत सारी जगह है यहाँ पे। ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, और हो भी क्यों ना, इसकी भी वीडियोस आपको दिखेंगी इस व्लॉग में या इंस्टा में काफी वीडियोस डालूंगी उसकी। पापा देखो पुल के ऊपर भी आपको जाम है, सब जगह जाम है, तो गाड़ी तो कहीं मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा, तो हमें भी जो है पार्क करना पड़ गया। हर तरीके की हर व्हीलर खड़ी हुई है यहाँ पे, बस से लेकर के 7 व्हीलर है, 5 व्हीलर सब खड़ी हुई है यहाँ पे। गाइस बहुत देख संभाल के चलना पड़ेगा यहाँ पे, सब अपना एक नंबर और दो नंबर वाला भी काम करने आए हैं बहुत देख समझ के चलना पड़ रहा है इस पार और इस पार की दुनिया। वेलकम टू अयोध्या, ये देखो भाई। हे गाइस वेलकम टू अयोध्या, हमने लिया क्या बोलते हैं भैया, ये कमरक, कमरक कमरक खरीदा हमने, चार फ्रूट आमफल, ये हमने लिया 10 रुपए का। देखो यहाँ पे लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट भी बना रखे हैं सुविधा के लिए निशुल्क। गाइस है हमारा धर्मा चौक, धर्मा चौक है ये, धर्मा चौक वहाँ पे ये आपको मिलेगा। यहाँ पे भाई पैदल जाना पड़ेगा, पुलिस लोग खूब जो है रोके हुए हैं, आप जा नहीं सकते हो। 5 बजे के पहले पहले जो चला गया अंदर वो चला गया, उसके बाद कोई नहीं जा पा रहा है भाई, फोटो लेने तक की। अयोध्या लैंड ऑफ रामा। गाइस पानी खरीदा हमने 20 रुपीज का, ले लो एक फोटो ले लो, एक ले लीजिए, लेना हो प्रसाद वगैरह मोहल्ले वगैरह में बटवा सकते हो। की कागज की है, देखो गदा वगैरह रखा हुआ है, ये देखो सब लैया गट्टा वगैरह रखा हुआ है, सारे मंदिर गदा वगैरह प्रसाद वगैरह जो भी लेना है, सिंदूर वगैरह सब कुछ ले सकते हो। सारी आपको शॉप्स वगैरह भी दिख जाएंगे, आपको प्रसाद वगैरह मंदिर वगैरह लेना हो तो आप वो भी ले सकते हो, मंदिर वगैरह भी लेना हो तो आप मंदिर वगैरह भी ले सकते हो। कितने का दे रहे हैं ये, कंदमूल फल सीता जी अशोक वाट में बैठ जाती होंगी ना, देखा ही नहीं कभी भी, कंदमूल फल। सुबह सुबह का टाइम है भाई, ठंडी लग रही है। अयोध्या में आपका स्वागत है, नगर निगम अयोध्या। चले जा रहे हैं हनुमान घड़ी, ये पहुंचा देंगे भाई ये रिक्शा वाले, तो ले 100 रुपया उसमें। जब पैरों से सक्षम है तब तो आप चले जाइए, बहुत बढ़िया है। अगर आपको जो है पैर जवाब दे जाए तो भाई ऐसा ई रिक्शा वगैरह करो अपना, मस्त पहुंचो पहले हनुमान गढ़ी, वहां से तो थोड़ा बहुत आपको पैदल चलना पड़ेगा। राम मंदिर जो है, हम लोग तो अरे राम मंदिर के लिए भैया नहीं है कोई ई रिक्शा, ये हनुमान गढ़ी आप छोड़ोगे ना भैया। राम मंदिर कितनी दूर है हनुमान गढ़ी से, पैदल ही है वहाँ पहुँच गयी, तुम पहुँच जाओ, तुम पहुँच ही गयी, राम लला जी तुमको भी दिखा देंगे, हनुमान जी ने जो है तुमको कहा कि भक्त आया है भाई उसको भी पहुँचाए किसी तरह। हनुमान गढ़ी आ गए भाई, भाई हम 6 बज रहे हैं और हम आ गए हनुमान गढ़ी। मैं आपको होटल दिखा देती हूँ यहाँ से, देखो जैसे ही आप आओगे ना यहाँ पे श्री कामधेनु करके, हमें लग नहीं रहा था कि इतना जो है यू नो मेन पॉइंट पे यहीं पे जो है हमें मिल जाएगा। तो इधर मैं आपको रूम वगैरह दिखा देती हूँ किस तरीके का था और कहाँ पे हम लोग रह रहे थे। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स चेक कैसा हमारा रूम वगैरह है। ये देखो ऐसा है, ये देखो आपको दिख रहा है कामधेनु आश्रम, आश्रम में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो है जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सा वो सारे वॉशरूम वगैरह हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जो है अपना वॉशरूम और ये सारी चीजें हैं,
ये देखो आपको रूम मिलेगा, यहाँ पे गद्दे वगैरह डाल दिए, वहीं पे सब रह लो अपना आराम से। वॉज वर्थ 1000 रुपीज, इतना सा रूम मिला था, दिस इज ऑफ 1000 रुपीज। यहाँ पे देखो सर्किट्स वगैरह भी आराम से दिए हुए हैं, आप अपना फोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं, तो उसकी भी अच्छी व्यवस्था थी। अलमारी वगैरह दी गई है, वहाँ पे अपना सामान वामान रख लो। भीड़ तो बढ़ती जा रही है अयोध्या में, ये मत सोचना कि भीड़ कम होगी, बढ़ेगी, भीड़ कम नहीं होगी। मम्मी भी आ गई है फॉर्म में, एक दिन का पूरा रेस्ट किया इन्होंने, फिर अगले दिन आप राम जी के दर्शन करने जा रही। 280 का है, है बड़ा वाला, वो ये वाला कितने का है? ज्यादा ही बड़ा है ना ये वाला, जय श्री राम जी का वाला 600 का बता दी, 600 का। कितने की दी है ये लेमन टी? 10 रुपीज। वन पहले 5 रुपए की ली थी ना हमने, दो साल पहले गाइज हमने 5 की ली थी, आज 10। स्वाद में भरपूर है, आपको ये लेमन टी जरूर पीजिएगा, आइएगा अयोध्या। तो भाई सब कुछ सीधे है, हनुमानगढ़ी हो गया, राम की पौड़ी और कनक भवन, ये है हम धर्म पथ मार्ग में चल रहे हैं। देखो मंकी बैठा हुआ है, वरना तुमने होटल में पता किया कितने, एक दो लोगों, तीन लोगों का रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। तीन लोग मैक्सिमम है, 2000 रुपए है, तीन लोगों का 2000 रुपए देगा तो और महंगा देगा, दे रहा है देगा तो और महंगा देगा। यहाँ पे तो चलो आप जितने भी लोग हो, जैसे हम लोग ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमको मिला के 6 लोग हैं, और मतलब कितने लोग भी रह सकते हो यहाँ पे। खर्चा है, हम यहाँ रुक रहे हैं और 1K का खर्चा आ रहा है, मतलब 1000 का खर्चा आ रहा है पर नाइट का, ठीक है। धर्मा चौक के जस्ट बगल में ही पड़ेगा आपको, ये इधर की साइड, ये श्री कामधेनु आश्रम। हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर, ये इतना चौड़ा किया है, यहाँ से ये इतना चौड़ा किया है, तब जाके रोड ये इतनी चौड़ी दिख रही तुम्हें। तो होटल्स वगैरह भी देखो दिख जाएंगे। How come? सब लोग अपनी अपनी फोटो खिंचा रहे हैं, वो देखो रखा है वो लता मंगेशकर का वीणा। गाइस आपको ना अयोध्या पार्टीशन कर लेना चाहिए, कुछ चीजें सुबह देखने वाली है बहुत अच्छी लगती है, और कुछ चीजें शाम को देखने वाली है, जैसे लेजर शो हो गया, ये लाइटिंग वगैरह हो गया। 14 फीट बड़ा है और 40 किलो का है भैया ये वजनी, बहुत बड़ा है। फोटो भी गाइस कल हमने किया था लता मंगेशकर से पूरा, वहाँ रोड की नहीं पार्किंग द्वारका चौक तक की, तो उसने हमें 20 रुपए पर सवारी लिया था, और आज का ऑटो किया है, पर्सनल ऑटो किया है, तो 150 रुपीज ले रहा है। वही है आपकी बार्गेनिंग और कौन मिल जाता है आपको, है ना, वो सारी चीजें, ऑटो का किराया मैटर करता है। बाकी तो अभी कोई रेट नहीं चल रहा है किसी भी चीज का, सिवाय खाने के, खाना का लंगर है फ्री मिल रहा है, बाकी सबका रेट जो है ऊपर नीचे हो रहा है। फाइनली गाइस हम बैठ गए, वाले भी अपना देख समझ के चला रहे हैं, पुलिस वाले जो है रोक दे रहे हैं, चलान वलान काट दे रहे हैं, मेन रोड में तो कोई चल ही नहीं रहा है ऑटो वगैरह, पैदल जाओ पैदल। यहाँ पे वो लोग अंदर ही अंदर, मतलब जो मोहल्ले हैं उनके अंदर अंदर से ले जा करके आपको छोड़ सकते हैं। अब गाइस हो गई है पूरी खेल समाप्त है अयोध्या का, हम गाड़ी में बैठेंगे और कानपुर जा रहे हैं वापस, अयोध्या टू कानपुर। टेंट सिटी बनी है, टेंट ही टेंट है, ये तो टेंट है। अब आ गया लूली मॉल, आपको बहुत गाइस होटल मिल जाएंगे, यहाँ पर टोकन वगैरह सिस्टम है, सो यू कैन टेक अपना खस्ता। अरे ये देखो भाई खस्ता वगैरह है, पी रहे हैं चाय यहाँ पे, हम आप बैठ वगैरह भी सकते हो, देखो यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है, वो भी देखो बैठने की व्यवस्था है। हम लोग क्या कर रहे हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ, हम लोग खा रहे हैं कचोरीज एंड समोसा। गाइस हम खाने जा रहे हैं कचोरी। अरे भाई उन्नाओ Thank you.
गंगा सिटी कानपुर। वेलकम टू कानपुर। वो टीला नहीं है बना हुआ, उसको लोग देखने जाते हैं, वो कुछ सारे लोग खड़े हुए हैं खेल रहे हैं। हाँ रामा देवी तट है तो वहाँ उतर जाएगा, तो बहुत दूर दूर गया है शिवानी और जहाँ से जहाँ जहाँ चले जाओ। रामा देवी आ गया भाई, आ गए भाई हमारे अयोध्या से कानपुर, कानपुर से अयोध्या, ये बैक टू कानपुर, बहुत जगह घूमी हम लोगों को, ओवरऑल 5 घंटे जाने में लगे, 5 घंटे आने में लगे, 10 घंटे का सफर करके आए कानपुर से अयोध्या, वी आर बैक गाइस कानपुर। लाइक शेयर, अगर यार आप ब्लॉगर हो ना तो जरूर कुछ ना कुछ अपना बैकअप वगैरह लेके आओ, ठीक है, क्योंकि आपका फोन जो है ऑब्वियसली जाने वाला है और बैकअप पावर बैंक वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, तो पावर बैंक वगैरह लेके आइए। मैं तो पावर बैंक वगैरह सब व्यवस्था करके लेके आई और बस बैग में रखा रह गया, इतनी गाड़ी वगैरह में रखा रह गया और फिर वहां से लाना ले जाना ये सब चीजों में भूल गए हम, तो भूल गए तो वहाँ पे जो है फोन बंद हो गया। फिर हनुमानगढ़ी और जो मेन ये हुआ कि चलो ठीक है अभी देख लेते हैं, क्योंकि रात में ना कम भीड़ होती है, ठीक है, तो हम लोग मंदिर के जो पट होते हैं ना, मतलब जो एंट्री होती है वो 9 बजे बंद हो गई थी, तो आप मेक श्योर करिए 9 बजे से पहले पहले चले जाइए मंदिर। हाँ 10-11 बजे तक खुला था, मगर उनके लिए जो 9 बजे अंदर एंट्री ले लिए थे उनके लिए, तो मंदिर जो है 7 बजे सुबह खुल रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना प्रोग्राम बनाइए। देखिए सारे लोग जा रहे हैं ना ये पीछे, वहां लाइन ही लगाएंगे, तो सुबह तो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है भीड़ होनी चाहिए, और रात में हम लोग गए थे तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, ऑलमोस्ट लाइक हम लोग के दर्शन बदा थे इस तरीके से, जैसे हम लोग गेट पे गए ना उन्होंने गेट ही बंद कर दिया, कहने लगे कि अब टाइम अप हो गया, और 9 बज गया था, हम लोग सोच रहे थे 10 बजे, हम लोगों को बोला गया था 10 बजे तक एंट्री हो जाएगी, एंट्री अंदर हो जाएगी 10 बजे, जो एंट्री ऑलरेडी जिनकी हो चुकी है, तो आप मेक श्योर करिए आप 9 बजे तक तो एंट्री ले ही लो, ठीक है, मंदिर में अगर मंदिर जा रहे हो तो, और 10-11 बजे तक आराम से जो है वहाँ पे सब चीजें रहती हैं, और प्रसाद का एक अलग से काउंटर बना रहता है, जैसे आप मंदिर से बाहर आओगे ना तो एक प्रसाद का काउंटर बना रहता है, और फिर वहां से ही आप अपने जूते चप्पल का भी एक एरिया होता है वहां पे, आप जूते चप्पल वगैरह अपना सबमिट करिए, ठीक है, सबमिट करिए, की मिलती है, एक पर्ची मिलती है, उसमें नंबर में मिलता है कि आपका कौन सा काउंटर नंबर है, वहीं से आपको वापस ले लेनी पड़ती है अपनी जो भी आपकी चप्पलें वगैरह हैं, ठीक है, तो चप्पलें अलग जो है सबमिट हो रही हैं, और आपका जो बाकी का सामान है मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ठीक है, वो सब भी आप माला तक नहीं ले जा सकते हो यार, माला भी उतरवा लिया था हमसे जो हनुमान घड़ी में हमें मिला था, आपका प्रसाद हो गया सब कुछ बाहर रख लिया जाएगा, कुछ भी अंदर ले जाने को नहीं दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी यार सिक्योरिटी वगैरह तो बहुत अच्छी थी। छोटी सी मैं अयोध्या की आइटनरी अब दे देती हूँ आपको, सबसे पहले तो आप अयोध्या आ रहे हैं तो सरयू नदी में जरूर डुबकी लगाइए, माना जाता है वहाँ पे डुबकी लगाने से जो है सारे पाप वगैरह धुल जाते हैं, एक बार वो हो जाता है सरयू नदी में आप नहा लेते हैं स्नान कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है आप हनुमान घड़ी जरूर जाइए, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और माना जाता है वहाँ पे तो बिना जाए अयोध्या के दर्शन आपके अधूरे हैं, इन जगह मतलब मेन जाइए, रामलला जी के मंदिर से पहले आप हनुमान घड़ी जरूर जाइए, उसके बाद करिए रामलला के दर्शन, ये एक सफल दर्शन आपके माने जाएंगे। और ये सारा था है, और बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़, इतने सारे लोग मतलब आ रहे हैं, और ये समझिए आप ये 1-2 महीने नहीं, ये मतलब आप मान के चलो 1 साल तक ये ऐसी भीड़ आनी है अयोध्या में, ये बाकी तो सब प्रभु की माया है, और आइए प्रभु सब देख लेंगे आपका खाने से रहने से, हम लोग का भी कुछ भी अंदाजा नहीं था, हम लोग बैठे थे और बैठे बैठे प्लान बन गया, और हमें रहने के लिए और खाने के लिए हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे, बस आ जाइए आप, बाकी सारी जो है प्लानिंग आप कर ही लोगे आई एम श्योर। तो ये सारी चीज़ें थी, तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना दूसरों के संग जो राम मंदिर आना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, ऐसी वीडियोस मैं आगे भी लाती रहूंगी,
और बताइएगा आपको वीडियो ये कैसा लगा, और जय श्री राम जरूर बोलिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर यार। एनर्जी वाइब्स आएंगे आपको अयोध्या में, आप फटाफट देर से उठने वाले हो ना, तो फटाफट उठोगे और अपने नेक्स्ट डे के लिए जो है, अगर आप इनकेस रुकते हो तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि कल ही हमने रामलला के दर्शन। तो ये सारी चीजें थी, सब जय श्री राम के नारे लगा रहे आपको दिखेंगे, और बहुत जोश हर्ष उल्लास का माहौल है यहाँ पे अभी तक, और आगे भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अयोध्या ऐसी सजी रहेगी।